उत्तर प्रदेश के हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 के गांव सिमरौली में कैंटर अनियंत्रित होकर पड़ गया, जिसके दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि अभी तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हापुड़ में तेज रफ्तार आ रही कैंटर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर है। गांव सिमरौली के निकट एक कैंटर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे 3 लोग दब गए, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार सहित बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम सिंह राठौर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कैंटर के नीचे दबे 3 लोगों को बाहर निकाला और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना बाबूगढ़ छावनी के पहले काली नदी के पास एक कैंटर पलट गया, जिसपे 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला, जो कैंटर नीचे दब गए, जिनकी डेथ हो चुकी है। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और कैंटर को साइड करवा के रोड चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी जो है रोड क्लियर होगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू। उनकी पहचान हो पाई बाइक सवार होगी? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी पहचान होगा। ये जो जो ये मृतक हैं, ये किस चीज़ पर सवार थे? जो मृतक हैं ये बाइक से जा रहे थे, कैंटर पलटने की वजह से उसके नीचे आ गए ये लोग।